Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. So hello guys, what's up? Welcome back to my channel, my new video. So guys, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं होम फोटो शूट करने वाला हूँ, एकदम सस्ता शूट, जिससे मैं अपने फ़ोन से और अपने घर के ही कुछ एंगल, कुछ चीज़ें यूज़ करके शूट करने वाला हूँ, ठीक है? सो एंगल, एडिट एंड कैमरा एंड लोकेशन, ये सब मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। सो अभी जो है वो अभी फ़ोटो दिखाता हूँ और फ़ोटो कैसे खींचिए उसके ऊपर थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे जाके थोड़ी कैमरा एंगल एडिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सो कुछ 3-4-5 फ़ोटो है जो मैंने क्लिक किए और उसके ऊपर थोड़ी, मैं जैसे बोला था, अच्छी होगी तो ठीक, गंदी होगी तो ठीक, दोनों डाल दूंगा, तो वही बात है। सो कुछ यहाँ बैठ के किए एक, और 2-3 अंदर बैठ के किए। सो चलो अंदर और पहले मुंह धो लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, बाल सेट कर लेते हैं। बाल के ऊपर बता देता हूँ, ठीक है? अभी जैसे मेरे बाल लंबे, तो मुझे ये देखो यहाँ पे पूरी अच्छे से दाढ़ी आई है, यहाँ पे अच्छे से बियर्ड नहीं आई है, ठीक है? तो इसके लिए भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक अच्छे से अपने को ध्यान देना इस चीज़ पे भी। सो बाल लंबे तो बाल लंबे उस हिसाब से फ़ोटो क्लिक करनी है। सो थोड़ा ये सब बातें वो आगे जाके करते हैं। सो अभी सीधा फ़ोटो पे चलते हैं। मैं घर के अंदर आ गया। सो यहाँ पे बैठ के पहले मैं बता देता हूँ कैसे शूट करने वाला हूँ मैं, ठीक है? सो ये मैं डंबल यूज़ करने वाला हूँ एज अ क्रॉप, एक मग यूज़ करने वाला हूँ, एंड मेरा स्टैंड तो एक ट्राइपॉड है जो आप जानते हो, ठीक है? एंड एक ये स्टूल और एक ये स्टूल, ठीक है? और मैं चड्डे में ही हूँ, ठीक है? आपको दिखेगा नहीं, मैं चड्डे में हूँ, ठीक है? चड्डे आ भी गया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? सो टी शर्ट है जो अभी बदल दूंगा मैं। सो ये शर्ट है वो, ठीक है? अब ये शर्ट तो आपको फ़ोटो में दिखेगा, और ये बैकग्राउंड जो है ऑफ वाइट या क्रीम वाइट बोल सकते हैं, और इसलिए एक कॉम्बिनेशन इसके साथ जाएगा। सो मैं इसलिए ये शर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो एक दो फ़ोटो मैंने इस टी शर्ट में लिए, एक दो फ़ोटो मैं शर्ट में लिए और एक बार लिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। बोल दो आपको, शूट करने से पहले फेस वॉश कर लेना, और कम से कम 50 पुशअप मार सकते हो या 20-25 पुशअप मार ले तो वो मार लेना। वो क्यों मैं बाद में बताता हूँ। सो अभी सीन ये है, एक मिनट इसको लगा देता हूँ, ठीक है? सो अभी एक्चुअली ऐसा है कि आपके स्लीव्स है ना, वो आपको थोड़ी सी फोल्ड करनी है इतनी, ठीक है? अगर टैटू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एंड सेम लाइक हियर ऑल्सो ओनली 2 फोल्ड। उसके बाद कब फोल्ड करना है, कब खाली, ठीक है? कप को खाली ऐसे होल्ड करना है, एंड वी हैव टू शो लाइक वी आर ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी और अ टी, ठीक है? इसका रिजल्ट ओके। तो पहला फ़ोटो ये था, ठीक है? नाउ सेकेंड फोटो में कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट सिट स्ट्रेट, एंड अगर आपके स्लीव ऐसे फोल्ड कर सकते हो तो आप ऐसे फोल्ड करके थोड़ा सा मुंह डाउन करके ऐसे क्लिक करा सकते हो, ठीक है? या एक और है जो आप ऐसे कर सकते हो, एकदम ये उंगली एकदम फ्रंट में, और ये जो बाकी की उंगली है वो थोड़ी फेस से ऐसा टच होनी चाहिए दूर से, ठीक है? सो ये कुछ ऐसा आएगा रिजल्ट अभी है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट फोटो के लिए हाँ ऐसे लेटना ही है मतलब मैं लेटा हूँ आपके पास ही, अगर ये जिम के चीज़ें नहीं है सो कोई इशू नहीं। आपके पास अगर आईफोन है या लैपटॉप है सो आपको उसको साइड में रखना है, एंड आपको नॉर्मली ऐसे पोज कर सकते हो, या आपको जैसे उसके लिए सूटेबल लगे वैसा पोज कर सकते हो, ठीक है? सो अब ये फ़ोटो ओके गाइस। सो वापस हम घर के बाहर आ गए, क्योंकि एक गमला मतलब पौधा है उससे हम यूज़ करने वाले हैं, नहीं तो आपके पास ऐसे जो ये दिख रहे हो इतनी सारी मतलब ग्रीनरी हो आपके पास तो उसे यूज़ कर सकते हो, मतलब एक फूल को यूज़ कर सकते हो। कैसे? ये तो मैंने टी शर्ट पहनी है, मैंने शर्ट पहना था, टी शर्ट के साथ भी चलेगा, और ऐसे लाइक अगर ये ऐसे तो आप इसको स्मेल कर सकते हो, या इसको ऐसे देख सकते हो, या नॉर्मल ऐसे देख सकते हो, ठीक है? सो इसका फ़ोटो एग्जांपल मेरा ज़रूरी क्या होता है, ठीक है? हाँ, कैमरा ज़रूरी होता है क्योंकि उससे अच्छी सी क्वालिटी आती है फ़ोटो की, तो उसके लिए कैमरा ज़रूरी है। आपके पास फ़ोन है अच्छा, अभी तो अच्छे से अच्छे फ़ोन आते हैं, उसमें अच्छा सा फ़ोटो खींचा सकते हैं अपने, ठीक है? सो कैमरा की बात तो हो गई, अपने पास स्मार्टफोन है तो अपने आउटडोर भी कर सकते हैं, इंडोर भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं, ठीक है? नाउ सेकंड एडिट, अगर एडिट के बारे में आपको जानना है, ठीक है, तो मेरा जो एक ब्लॉग बनाया था उसमें आप चिड़कली मतलब जो स्प्रिंकल होती है वो चकरी
या पीछे पर्दे लग जाते हैं, पीछे चांद आ जाते हैं, DSLR जैसे ब्लर हो जाता है, वो सब आपको चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे जो आया ना, ये ब्लॉग बनाया मैंने और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो क्लिक करना, वो देख लेना, उसमें आपको सब मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन में आपको, ठीक है, एडिट वो है। और एक एडिट नॉर्मली जरूरत नहीं, ये जो मैंने फ़ोटो देखा उसमें 1% का भी मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, नॉर्मली क्लिक किया एंड जस्ट पुट कर दिया है, वैसे ही बात। अगर थोड़ा सा बोलते हैं ना कलर एडिटिंग अप एंड डाउन कर ले तो अच्छा दिखता है, बट मैंने नहीं किया है। सो कोई फ़ोटो ऐसे होते हैं कि ब्लैक में अच्छे लगते हैं, कोई फ़ोटो ऐसा लगता है कि बहुत ग्रीनरी में अच्छे लगते हैं, या कोई ऐसे नॉर्मली अच्छे लगते हैं। सो वो अपने पे थॉट पे अपने को कैसे खिंचवाना है, ठीक है। सो ये एडिट की बात थी, ठीक है। और एडिट में अगर अच्छे, और एडिट में मतलब थोड़ा भारी होता है वो कट एंड बाद में वो पेस्ट कर देते हैं, वो भी बताऊँगा आपको, जानना तो वो भी मैं किया हुआ है, वो भी आपको बताऊँगा मैं अगर जानना है तो, ठीक है। तो सेकंड बात हो गई एडिट की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लोथ, ठीक है। सो गाइस, क्लोथ एंड लोकेशन प्लस बैकग्राउंड, ये तीनों एक में आता है। कैसे, जैसे कि अभी सपोज करो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी है और मेरा स्क्रीन थोड़ा फेयर है, ठीक है, मतलब काला नहीं है, मतलब ठीक ठीक है, एंड मेरी बियर्ड भी है और बाल अच्छे लंबे हैं। सो पीछे जो ये लाल है, ग्रीन है, और ये भी, ये जो वाइट है और ये ब्राउन कलर का है, तो ये अच्छा दिख रहा है। सो वैसे ही फ़ोटोशूट में काम आता है, जैसे आपने फ़ोटो देखे थे, एक ये सब छोड़ दो, पीछे वाइट दीवार है मेरे, या काली दीवार होती तो वाइट पहनता या ब्लू पहनता या क्रीम कलर का कुछ पहनता। सो इन शॉर्ट आई एम सेइंग दैट कि अगर पीछे बैकग्राउंड, यहाँ पे बात करनी सही रहेगी क्योंकि आपको समझ में आएगा। सो जैसे ये दीवार वाइट है, मतलब ऑफ वाइट है, ये क्रीम है, तो इसके ऊपर ये ब्लैक जच रहा है, ठीक है, और ये अंगूठी और ये मेरा सब फेस इसके ऊपर जच रहा है। सो वही मैं बोल रहा हूँ, तो लोकेशन हिसाब से ऐसे जो दाग कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं ब्लैक ही, और भी बहुत सारे दाग कपड़े आते हैं, तो वैसे। सो ये लोकेशन कपड़े की बात हो गई, ठीक है। लोकेशन अब नीचे अपने सोसाइटी में गार्डन भी होता है, वहाँ पे जाके करा सकते हो, पैसेज में जाके करा सकते हो, छत पे जाके करा सकते हो, घर पे करा सकते हो। सो वो छत पे कराओगे तो ब्लू आएगा, मतलब ब्लू मतलब स्काई है, स्काई मतलब थोड़ा लाइट कलर है, तो उसके लिए अपने को डार्क कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है। नीचे जाओगे गार्डन में तो ग्रीन कलर की घास होगी, वो थोड़ी डार्क होगी, तो उसके लिए अपने को थोड़ा लाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। सो वैसे माइंड सेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और लोकेशन चूज़ करते हैं। सो बस ये फ़ोटोशूट में ये ज़रूरी होता है, अपने माइंड सेट और अपने थॉट और अपने स्किल्स से हिसाब से अपने क्लिक करवाते हैं। और ज़रूरी नहीं खाली बस ये चीज़ होती है, आप क्रिएटिव एकदम दिमाग से यूज़ कर सकते हो और भी शूट के लिए। सो गाइस, बस यही था। और अगर अच्छे से देखना हो और कोई जैसे अपने परफ्यूम फेस वॉश यूज़ करते हैं तो उसका शूट कैसे करें, या कोई चीज़ें जैसे चीज़ जैसे कोई अपने पेंसिल रबड़ हो गई वो जैसे उल्टे नीचे ऊपर रखते हो उसके अंदर फ़ोटो कैसे आएंगे, वो भी ट्राई करना है, वो भी मैं आपके अंदर लेग्स व्लॉग में डाल दूंगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। कमेंट कर देना जैसा फ़ोटो चाहिए आपको, मैं बताऊंगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडेज़ वीडियो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कोई भी एक फ़ोटो अच्छा लगा हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, या बेकार लगा तो डिसलाइक मार देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, एंड आँखों में बाल आने चालू, बालों के ऊपर भी वीडियो बनाया है वो भी देख सकते हो। इन शॉर्ट जाओ मेरे चैनल में, हर एक चीज़ का ब्लॉग मिलेगा, आएगी ब्लॉग और। सो बस, बाय बाय, टेक केयर।